हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो कि आपके टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करता है, लेकिन आज की वीडियो उनके लिए है जो अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहते, वो सिर्फ ऑनलाइन अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं आज एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिससे कि वो अपने किसी भी टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आना पड़ेगा गूगल पे, और गूगल पे आके हमें टाइप करना पड़ेगा voicemaker.in। ये टाइप करके हमें करना है एंटर। इसके बाद जो वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगी उसके ऊपर आपको कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप अपना जो भी टेक्स्ट हो उसको कॉपी पेस्ट करके उसको MP3 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वेबसाइट का बेनिफिट ये है, ये हमें बहुत सारी ऐसी सेटिंग प्रोवाइड कराती है जिससे कि जो हमारी वॉइस है वो और अच्छी बन सके। तो सबसे पहले देखिए, ये हमें वॉइस के इफेक्ट देती है। यहाँ से हम अपने वॉइस को सॉफ्ट रखना चाहते हैं, ब्रीथिंग रखना चाहते हैं, जैसा मर्जी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पॉज। एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में कितना आपको पॉज लेना है, आधे सेकंड का लेना है, एक सेकंड का लेना है, दो सेकंड का लेना है, आप ये सेटिंग भी इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे वॉइस कैसी रखनी है, स्ट्रोंग रखनी है, मीडिएटर रखनी है या कम रखनी है, पतली रखनी है। इसके बाद यहाँ पे आती है स्पीड, हमें जो अपनी वॉइस है वो कैसे रखनी है, स्लो में रखनी है, फास्ट में रखनी है या एक्स्ट्रा स्लो रखनी है या फिर एक्स्ट्रा फास्ट रखनी है। इसके बाद पिच, हमें अपनी वॉइस की पिच कैसे रखनी है। इसके बाद आता है वॉल्यूम, हमें जो आउटपुट वॉइस मिलेगी वो हमें कैसे रखनी है, नॉर्मल वॉइस में रखनी है, फुल में रखनी है। तो आप अपने तरीके से इसमें सेटिंग करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक वॉइस कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें कोई भी एक टेक्स्ट कॉपी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से एक वर्ड लाइन कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके जस्ट हम करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमें क्लिक करना है कन्वर्ट टू पिच, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगी। तो ये देखिए, इसने जो टेक्स्ट को है उसको वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। अब जस्ट यहाँ पे करना है हमें डाउनलोड MP3। ये जो वॉइस है ये हमारी इस तरीके से डाउनलोड होके आ चुकी है, तो इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो वॉइस हमारी प्ले होना शुरू हो जाएगी। Government reforms have been proposed at all levels. तो इस तरीके से दोस्तों आप इस वेबसाइट में बड़े ही अच्छे तरीके से अपने किसी भी टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें एक खास बात और दोस्तों, यहाँ पे आपको जो वॉइस के वर्जन है वो आपको मिलेंगे। अगर आपको फीमेल वॉइस चाहिए तो आप इन पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको मेल वॉइस में भी अलग अलग वैरायटीयां चाहिए तो आप इनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जितने भी आप क्लिक करोगे सबकी जो आउटपुट होगी वो अलग होगी। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को एक अच्छे तरीके से MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम आपको याद रखना है voicemaker.in। यहाँ पे आइए और अपने किसी भी टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।